इंटीरियर, आज हम हमारा टॉपिक है इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट्स। टोपोलॉजी में इंटीरियर पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटीरियर सेट क्या आता है आपके पास। डेफिनेशन है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, ये जो है वो एक्स का एक सबसेट है। इस ए में से आपने एक पॉइंट लिया, अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इस सबसेट का इंटीरियर पॉइंट इसी में से लिया है। सेट का कोई भी पॉइंट उसका उस वक्त इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा इफ अगर पी बिलोंग्स टू एन ओपन सेट यू कंटेन इन ए। अगर आपके पास एक ऐसा ओपन सेट आपको मिल जाए या आप एक ऐसा ओपन सेट फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएं कि जिसके पास ये पी मौजूद हो और वो ओपन सेट यू के अंदर कंटेन कर जाए, देन हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ये आपके पास इंटीरियर पॉइंट है ए का। यानी कि कोई भी पॉइंट कब ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा, उस वक्त ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा जब आप उसके कोरस्पोंड एक ओपन सेट ढूंढने में कामयाब हो जाएं। उसके कोरस्पोंड आप एक ओपन सेट ढूंढने में कामयाब हो जाएं, ऐसा ओपन सेट ढूंढने में कामयाब हो जाएं कि जिसने पॉइंट पी को कंटेन किया हुआ है और वो ओपन सेट इटसेल्फ जो है वो ए में कंटेन कर जाए। ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे कि वो ए का इंटीरियर पॉइंट है। वेयर यू बिलोंग्स टू टा, यू जो है वो एक ओपन सेट है। द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए नॉट कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है जी, तो इंटीरियर दरअसल क्या हो गया आपके पास, इंटीरियर ये आपके पास किसी भी सेट का इंटीरियर है। दिस सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए नॉट कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए, ये आपके पास ए का इंटीरियर कहलाता है। तो ए का इंटीरियर दरअसल क्या है, ए का इंटीरियर जो है वो, अब देखें आप ए के अंदर ओपन सेट्स हैं वो कंटेन कर रहे हैं, तो इन ओपन सेट्स की जो यूनियन होगी वो आपके पास इंटीरियर है। इंटीरियर दरअसल आपके पास क्या है, इंटीरियर इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अब चूंकि ये ओपन सबसेट्स की यूनियन है तो इंटीरियर खुद जाते खुद भी एक ओपन सेट होगा, क्योंकि ये ओपन सेट्स की यूनियन है और ओपन सेट्स की यूनियन के पास ओपन ही होती है। तो किसी भी सेट का जो इंटीरियर है वो एक ओपन सेट होता है। और फर्दर इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेंट इन ए, ये सारी बातें मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक्स है आपके पास एक सेट, ये हमारे पास टा है, ये टा है हमारे पास, हमने इस एक्स का एक सबसेट ले लिया है ए डी। अब हम ए का इंटीरियर कैलकुलेट करना चाहते हैं। ए का इंटीरियर क्या है, ए का इंटीरियर अभी अभी हमने पढ़ा, इज़ दी यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, या इंटीरियर इज दी लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए। हम सबसे पहले जो है वो इस स्टार में से वो ओपन सेट्स ढूंढेंगे, उनको लिस्ट आउट करेंगे जो कि ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर के लिए आपको यही है कि वो तमाम ओपन सेट्स की यूनियन जो कि ए में कंटेन कर रही है। एक ए डी है, ये कंटेन कर रहा है, ये नहीं कंटेन कर रहा है, ये ओपन सेट भी ए में कंटेन नहीं कर रहा, ये ओपन सेट भी कंटेन नहीं कर रहा, ये ओपन सेट भी नहीं, सिर्फ एक ही ओपन सेट जो है वो ए में कंटेन कर रहा है। तो ए का सिर्फ जो इंटीरियर है वो इसी ओपन सेट के इक्वल आ गया। अब मैंने एक और सबसेट लिया है एक्स का बी, इसके पॉइंट्स है ए बी डी। अब मैंने इसका इंटीरियर कैलकुलेट करना है। इसका इंटीरियर कैलकुलेट करने के लिए इंटीरियर दरअसल क्या है, इंटीरियर जो है आपके पास दो तरीके से फाउंड आउट करें, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेंट इन बी या
लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन बी। तो हम उन तमाम ओपन सेट्स को पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं जो कि बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, जैसा कि आपके पास है। अब देखें बी किस ए बी डी सिंगलटन ए बी इसमें कंटेन कर रहा है, सिंगलटन बी भी इसमें कंटेन कर रहा है, ए बी भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो ये तीन ओपन सेट्स जो हैं वो बी में कंटेन कर रहे हैं, ए बी एंड ए बी। इन सब की यूनियन कर लो तब भी ए बी रहेगा, या लार्जेस्ट ओपन सेट ले लो, लार्जेस्ट ओपन सेट। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है जो बी में कंटेन कर रहा है, डैट इज़ ए बी। तो ये आपके पास बी का इंटीरियर हो गया है। लार्जेस्ट ओपन सेट या इन सब दो डेफिनेशन है ना, या आप इन सारे ओपन सेट्स की यूनियन कर लो, दोनों का मतलब एक ही है, इन सब की यूनियन कर लो तब भी ए बी है, या लार्जेस्ट जितने भी ओपन सेट हैं उनमें जो बड़ा है वो आपके पास है इंटीरियर। लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन बी इज इंटीरियर ऑफ बी। ठीक है जी, लार्जेस्ट ओपन सेट का मतलब क्या है कि अगर कोई और भी ओपन सेट जो बी में कंटेन कर रहा है, बी का जो इंटीरियर है वो हमेशा उससे बड़ा होगा। ये लार्जेस्ट ओपन सेट जो है की बात समझना बड़ा ज़रूरी है, ये आगे भी यूज़ होगी कि जो इंटीरियर है अगर कोई और भी ओपन सेट, जैसे कि ये एक और ओपन सेट है बी में कंटेन कर रहा है, तो बी नॉट जो है वो इसका सुपर सेट है, इससे बड़ा। अगर कोई और भी ओपन सेट जो कि बी में कंटेन कर रहा होगा, इंटीरियर हमेशा सबसे बड़ा ओपन सेट होगा, यानी कि वो इंटीरियर में भी कंटेन करेगा। अब मैंने एक और सबसेट लिया है एक्स का, इसका मैं इंटीरियर कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो इसका इंटीरियर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम वो सारे ओपन सेट लिस्ट आउट करेंगे जो कि इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, सी के अंदर कंटेन कर रहे हैं। सी जो है डी है, ये भी नहीं कंटेन कर रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी ओपन सेट जो है आपके पास इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, सिर्फ एम्प्टी सेट जो है सी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका इंटीरियर जो है एम्प्टी है। नेक्स्ट है जी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अगली एग्जांपल यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल क्या है, ओपन सेट्स हैं या यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हैं। तो आपने इसका एक सबसेट ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू का इंटीरियर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, हमने क्यू का इंटीरियर कैलकुलेट करना है। क्यू का इंटीरियर एम्प्टी सेट होगा, क्यों, देखो बेटा वो इसलिए एम्प्टी होगा बिकॉज नो ओपन इंटरवल कैन कंटेन इन क्यू। क्यू के अंदर कोई भी ओपन इंटरवल कंटेन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये एक रियल लाइन है आपके पास। मैं एक ओपन इंटरवल ले लेती हूँ 1 से लेके 4 तक, अब ये रियल लाइन के ऊपर कहाँ से कहाँ तक लोकेट करता है, 1 से लेके 4 तक। क्या ये जो ओपन इंटरवल है क्यू के अंदर कंटेन करेगा, ये कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ओपन इंटरवल है ये रियल लाइन के ऊपर एक कंटिन्यूस लाइन होती है, उसका एक कंटिन्यूस पैच होता है। इस कंटिन्यूस पैच ने 1 से लेके 4 तक जितने भी रैशनल, हालांकि इसके पास रैशनल नंबर्स भी हैं, 2 भी है 3 भी है 1.5 1/2 भी है 2/3 वगैरह वगैरह, सारे इसमें रैशनल नंबर्स जो 1 से 4 तक हैं वो सारे कंटेन किए हुए हैं। लेकिन इस ओपन इंटरवल के पास इरेशनल नंबर्स भी हैं, ये कंटिन्यूस पैच है ना, तो 1 और 4 के दौरान जितने भी इन्फिनिट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं वो दोनों इस ओपन इंटरवल के पास मौजूद हैं। अब क्या एक ऐसा सेट जिसके पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स हों वो सिर्फ रैशनल नंबर्स के सेट में कंटेन कर सकता है, नहीं।
इसलिए कोई भी आप ओपन इंटरवल जो है, ये मैंने सिर्फ एक लेके एक एग्जांपल लेके आपको बताया है, कोई भी ओपन इंटरवल ले लें आप इस रियल लाइन के ऊपर, वो कभी भी क्यू के अंदर कंटेनर नहीं करेगा, क्योंकि इस इंटरवल ने इरेशनल इरेशनल, इसका मतलब जब कोई भी ओपन इंटरवल क्यू के अंदर कंटेन नहीं करेगा तो क्यू का इंटीरियर एम्प्टी हो जाएगा, सिर्फ एम्प्टी सेट ही एक ओपन सेट होगा जो कि क्यू में कंटेन करेगा, इसलिए क्यू का इंटीरियर एम्प्टी होगा। इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का भी इंटीरियर एम्प्टी होगा।